यस्य ज्ञानमनन्तवस्तु विषयम् यः पूज्यते देवतैः नित्यं यस्य वचो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैर्लोप्यते राग द्वेष मुख द्विषां च परिषद् क्षिप्ता क्षणाद्येन सा सश्री वीर विभु विधूत कलुषां बुद्धिं विधत्तां मम बुद्धिं विधत्तां मम जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान भक्ति युक्त गुरुदेव का धरूर हृदय में ध्यान भक्ति युक्त गुरुदेव का धरूर हृदय में ध्यान। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावभरा वंदन। परम पूज्य, परम उपकारी, आराध्य गुरुदेव के गुण स्मरण, आचार्य भगवंत, सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ द्वारा आयोजित इस सप्त दिवसीय शिविर में आज तीसरे दिन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। आगम को लेकर के और हम कुछ चर्चा गत 2 दिनों से कर रहे हैं। जिनवाणी अनंत अनंत काल से संसारस्थ जीवों को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही है। हम उसी जिनवाणी के महत्व को, उसकी अलग अलग तरह से की गई व्याख्याओं को समझ करके और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, यही हमारे इस चर्चा का लक्ष्य है। आज तक का हमारा जो निगोद से लेकर के यहां तक का प्रवास हुआ है, उस प्रवास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिस साधना ने हमें यहां तक पहुंचाने में की है, उसका नाम है समता सहनशीलता। एकेंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक का जो विकास जीव का होता है, वो इसी समता और इसी सहनशीलता के आधार पर होता है। आज हम यहाँ है लेकिन इस बात को प्राय करके भूल से गए हैं और इसलिए छोटी छोटी प्रतिकूलताएं आने के बावजूद भी हम डिग जाते हैं, हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है और हम आपे से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम उस तथ्य को नजरअंदाज न करें, उसको हर समय स्मृति पटल पर रखें कि मेरे विकास की मूल जो भित्ति रही है वो यही सहनशीलता रही है। मैं कैसी भी परिस्थितियां आवे उसमें समता का ही परिचय दूं। भगवान महावीर जैसे महामानव का जीवन हमारे सामने है कि जिन्होंने इतने घनघोर कष्टों को सहन किया कि जिनकी जब हम ग्रंथों के माध्यम से पारायण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। संगम जैसे देव के द्वारा एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग, और वो भी लगातार 6-6 महीने तक, लेकिन फिर भी वो सहनशीलता का मसीहा टस से मस नहीं हुआ।
और उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। हमारे सामने आदर्श हैं, इन आदर्शों को हर समय याद करते हुए अगर हम भी इस समता और सहनशीलता को अपना अस्त्र बना करके और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भी साधना के उन शिखरों को चूमने वाले बन जाएंगे। आज का हमने जो विषय रखा है वो सम्यक दर्शन के उपाय और उसकी पहचान को लेकर के है। सम्यक दर्शन जिसको हम अन्य अन्य कई नामों से पुकारते हैं, विवेक, समझ, सम्यक्त्व, ये कई नाम इसके हो सकते हैं। और सबसे प्रचलित नाम जो सरल भाषा में हम ले सकते हैं वो है समझ। हमारे यहाँ आलोयना के एक दोहे में कहा गया है कि समझ सार संसार में, समझू टाले दोष, समझ समझ कर जीवड़ा गया अनंता मोक्ष। अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसका मूल कारण रहा समझ। भगवान ने, चाहे वे भगवान ऋषभ देव हो या भगवान महावीर हो या बीच के 22 तीर्थंकर हो, भगवान ऋषभ देव ने अपने 98 पुत्रों ने जब आकर के और उनकी सेवा में निवेदन किया कि आपका दिया हुआ राज्य हमारा बड़ा भाई भरत हमसे छीनना चाहता है, वो कहता है या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम क्या करें। उस समय पर भगवान ऋषभ देव ने उन 98 पुत्रों को प्रतिबोध देते हुए संसार के समस्त प्राणियों को प्रतिबोधित करने के लिए जो सूत्र कृतांक सूत्र के दूसरे अध्ययन के पहले उद्देश्य की पहली गाथा में जो बात फरमाई वो हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबुज्जह किम न बुज्जह, संभो ही खलु पेच दुल्हा, नो हुवन मंतिराइयो, नो पूर्ण रवि जीवियम सुदुल्लहम। उन्होंने कहा संबुज्जह यानी बोध को प्राप्त करो। किम न बुज्जह है, अरे तुम बोध को क्यों नहीं प्राप्त करते हो, ये मनुष्य का अनमोल जीवन केवल मात्र बोध प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए उस बोध को, समझ को, सम्यक्त्व को प्राप्त करो। ये राज्य और ये बाकी की सब व्यवस्थाएं यहाँ की यहाँ धरी रह जाएगी, जीवन कल्याण का एकमात्र सूत्र बोध है, संबोध है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान दो। भगवान महावीर ने चंड कौशिक जैसे नाग को, विषधर को समझाते हुए यही कहा था बुज्ज बुज्ज कोसिया बुज्ज, अरे हाँ हेलो आ रही आवाज, अरे चंड कौशिक तू समल तू समझ, अगर तू नहीं समझेगा उनके पास होगा नंबर से तो हे चंड कौशिक तू समझ, ऐसा कहकर के उन्होंने वही बोध की बात कही। मतलब कहने का ये कि जीवन में ये बोध, ये सम्यक दर्शन, ये अनिवार्य तत्व है। हमारी थोकड़ों की क्लास चल रही है, उन थोकड़ों की क्लास के अंदर जैसे गुणस्थान द्वार के माध्यम से गुणस्थान का स्वरूप समझा गया, वहां भी चौथे गुणस्थान को लेकर जो सम्यक की चर्चा आई वो बड़ी टेक्निकल चर्चा रही। जैसे वहां का 7 प्रकृतियों के 6 उपशम और क्षोपशम से जो परिणाम होते हैं उसको सम्यक्त्व कहते हैं। अब ये टेक्निकल बात हो गई कि क्या 7 प्रकृति, कैसे उनका एक क्षोपशम उपशम, हमारे जीवन व्यवहार में हम उस सम्यक्त्व को कैसे पाएं, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। कि वर्तमान समय में, और जो भी वर्तमान का ये समय चल रहा, बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है, रोज अपने परिजनों की, मित्रों की कई तरह की समस्याएं जब सुनते हैं तो दिल भर जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हम तो कर्म सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि
अपना ही किया हुआ, अपना ही बोया हुआ कुछ ना कुछ उग रहा है, उदय में आ रहा है, इसलिए उसको तो समता से भोगने में ही सार है, और तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। इसलिए उस समता को रखने के लिए हम सही समझ को पैदा करें, और वो सही समझ सम्यक दर्शन के रूप में होती है, हम उसको अपने जीवन में लाएं। तो सम्यक दर्शन यानी सम्यक तो यानी क्या, सरल शब्दों में कहें तो यथार्थ दृष्टिकोण अपने अंतर में विकसित करना, ये सम्यक है। यथार्थ जैसा है वैसा, जो जिस प्रकार का जिसका स्वभाव है, जो जिस प्रकार से जो चीज रही हुई है उसको उसी रूप में मानना, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार ही वो कार्य करेगी। तो हम भी जो यथार्थ में प्रकृति ने जो बातें हमें बताई है या भगवान ने जो शास्त्रों के अंदर बातें बताई है उनको यथार्थ रूप से जान लेना, मान लेना, समझ लेना, ये सम्यक तो है। केवल जानने मात्र से इसका संबंध नहीं है, जानने के साथ मानना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हम कई बार देखते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, जहां भगवान ने कई अध्ययनों के अंदर सुने हैं शब्द आया जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनो, बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं सुनो, ऐसा कहने की आवश्यकता जो रहती है, तो वहां पर भी वो कहते हैं भाई सुनो, सुनो यानी समझो, समझो यानी उसको जीवन में उतारो, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। तो ये सम्यक्त्व में भी जो हम जो बातें जानते हैं केवल मात्र बुद्धि के लेवल पर जानने से काम नहीं चलता, एक इंद्रिय दृष्टि होती है, एक बुद्धि दृष्टि होती है, एक विवेक दृष्टि है। जब तक वो विवेक दृष्टि नहीं आती तब तक सम्यक दर्शन नहीं आता, और फिर अंतर दृष्टि और प्रीति दृष्टि तक के साम्राज्य में व्यक्ति अपने आप को पहुंचा देता है। तो ये विवेक दृष्टि हमारे अंदर में कैसे जगे, शास्त्रकारों ने इसकी खूब चर्चा की है। उत्तराध्ययन सूत्र का 28वां अध्ययन, जिसका नाम ही मोक्ष मग्ग गई, मोक्ष मार्ग में हमारी गति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, इसकी सूचना, इसकी प्रेरणा हमें कर रहा है। उस अध्ययन के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चार साधनाओं को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। तो उसमें जहां सम्यक दर्शन का विषय आया वहां पर यह कहा गया, और जैसे हम तत्वार सूत्र के अंदर भी देखते हैं तो वहां पर तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा, ऐसा कहा कि वो सम्यक दर्शन निसर्ग से या अधिगम से प्राप्त होता है। उन्हीं दो बातों को विस्तार से कहने के लिए इस उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में 10 प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस जीव को हो सकती है, ऐसा वर्णन मिलता है। उन 10 प्रकारों को हम संक्षेप में देखें और देख करके अपने अंतर में उसकी खोज करें, और हम इनमें से कहां बैठते हैं, और उसको गहराई से उसके साथ जुड़ करके उस सम्यक दर्शन को अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मोक्ष मार्ग की भूमिका हमारे अंतर में तैयार हो जाएगी और हम आगे बढ़ने के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। 10 प्रकार की रुचियों में सबसे पहली रुचि जिसका नाम है निसर्ग रुचि। निसर्ग बोलते प्रकृति को, निसर्ग बोलते हैं स्वभाव को। किन्हीं किन्हीं लोगों को पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार रहते हैं, उन संस्कारों के कारण, उस धर्म साधना के कारण से छोटी सी उम्र में ही धर्म समझने लगता है। जो चीज 80 साल की उम्र में जाकर के व्यक्ति को नहीं समझती, वो 8 साल की उम्र में एक छोटा बालक समझने लगता है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा इसने क्या किया, 8 साल में तो अभी तक इसकी पूरी समझ भी परिपक्व नहीं हुई, लेकिन ये 24 करता है, इसने 7-7, 8-8 आगम कंठस्थ कर लिए हैं। अभी हमारे सामने उदाहरण है डुगू जी का, एक छोटा सा बच्चा, आचार्य हस्ती का उदाहरण हमारे सामने पूर्व काल में रहा ही है कि जिन्होंने 6 साल की उम्र में 24 करना चालू कर दिया, 9-9.5 साल की वर्ष में उम्र में दीक्षा ले ली और इतने बड़े आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये धर्म के साथ लगाव, ये सम्यक की प्राप्ति उनको निसर्ग से हुई, निसर्ग यानी स्वभाव से हुई। स्वभाव का मतलब पूर्व की साधना के कारण से हुई, बिना साधना के तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये तो सच्चाई है। लेकिन वर्तमान में हमको साधना नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब जैसे कोई पेड़ लहलहा रहा है तो इसका मतलब ये कि उसका मूल जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो सुरक्षित है, उसको खूब खाद पानी मिल रहा है, जिसके कारण से वो हमको बाहर में ये लहलहाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से कि इन लोगों ने पूर्व में जो साधना की थी उस साधना में कुछ कमी रह गई, उस कमी के परिणाम स्वरूप उनको ये जन्म लेना पड़ा, और इस जन्म में आने पर ही, आते ही
उनकी ये सारी चीजें जो है वो उत्पन्न हो गई, अर्थात निसर्ग उसी के माध्यम से ऐसा हो सकता है। हम ये बात भी सोचे कि जैसे अभी हम साधना कर रहे हैं, कई बार वो साधना इस जीवन में फलवती नहीं दिखती है, तो उसकी चिंता न करें, वो आज नहीं तो कल, जैसे हम भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है 8-9 साल की उम्र में हमारे अंतर में भी ये भाव पैदा हो जाएगा कि मैं भी दीक्षा लूं और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। तो ये यहाँ की साधना कोई खाली नहीं जाती, इसलिए ये निसर्ग के माध्यम से जो सम्यक होता है वो पूर्व के संस्कारों के कारण से वर्तमान में कुछ विशेष आराधना नहीं करते हुए भी जो प्रकट होता है वो है निसर्ग रुचि नाम का सम्यक। दूसरा जिसको कहते हैं उपदेश रुचि। अब ये दूसरे से लेकर बाकी के जो है ये सब प्राय करके दूसरों के माध्यम से गुरु भगवंतों के उपदेश या उनकी आज्ञा आदि के माध्यम से होता है, सूत्र शास्त्र के माध्यम से होता है, उसका वर्णन बताते हैं। तो उसमें कहा है कि आज्ञा रुचि है दूसरी उपदेश रुचि। उपदेश का मतलब होता है गुरु भगवंतों ने जो कुछ बातें भगवान की वाणी के आधार पर हमें सुनाई उसको ध्यान से सुनना और सुनकर के और उसके प्रति अहोभाव लाना। वो अहोभाव जब आएगा तब व्यक्ति अपने अंतर में उस सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। सुबाहु कुमार का वर्णन हम सुनते हैं। सुबाहु कुमार भगवान के श्री चरणों में गया, भगवान का उपदेश सुना, उपदेश सुनकर के और उसने फिर शास्त्र में शब्द आता है सोचा निसम्मत, उसको सुना और सुनकर हृदय में धारण किया और हृदय में धारण करने के बाद में वो हट्टेत उठे, हृष्ट तुष्ट हुआ यानी प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में निवेदन करता है कि सद्दहामी न मनते, भगवान मैं आपकी बात के ऊपर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, और उसके अंदर में वो सम्यक की ज्योति प्रज्वलित हो गई। लेकिन इतना साहस वो नहीं जुटा पाया कि मैं दीक्षा ले लूं, इसलिए वो कहता है कि मैं श्रावक के व्रतों को अंगीकार करना चाहता हूँ और भगवान के पास वो श्रावक के व्रत अंगीकार कर देता है। अर्थात उपदेश सुनना, ये सुनने की भी एक पद्धति होती है। नंदी सूत्र के अंदर हमारे यहाँ पर उपदेश को कैसे सुनना उसकी पद्धति बताई है लास्ट की गाथाओं के अंदर। तो वहां कहा मुवम हुकारम वाडकारम परिपुच्छ विमंसा तत्तो प्रसंग पारायणम च परिनिष्ठ सत्तमहे। 7 चीजें बताई उसमें कि आपको उपदेश जब आप सुनते हो, व्याख्यान जब सुनते हो, तब उस समय पर सबसे पहली उसकी शर्त है मुवम, मुख बंद करके बैठिए, वहां जाकर के कुछ भी नहीं बोलना है, आप सारा मन से वचन से काया से तीनों से ही अपने आप को सॉरी शांत करके बैठिए। तो ये है मुंह का पहला काम, क्योंकि मुंह बैठे बिना आप सामने वाले की बात सुन नहीं पाएंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके दिल दिमाग में नहीं बैठेगी, इसलिए मुंह का। फिर कहा हुंकारम, थोड़ा सा हुंकार, हूं जैसा अपन कहते हैं कोई बात कहता है उसको सुनते हैं तो हूं, तो वो हुंकारा देने की बात। फिर कहा वाडक कारम, वाडम कारम का मतलब होता है उसमें जी हाँ तहती इस तरह के शब्द जहां आवश्यकता हो वहां पर बोल करके और उसके प्रति अहोभाव प्रकट करने की बात है। फिर कहा परिपुच्छ, वो पूरा होने के बाद में अगर कोई बात नहीं समझी है तो उसकी प्रतिप्रचना की जा सकती है। फिर उसकी विमंसा यानी उसका विमर्श, जो प्रतिप्रचना में उत्तर आया है उसका विचार करे कि सही है ये उत्तर, नहीं जिमा है तो प्रतिप्रश्न करके और उसमें और अधिक सुधार किया जा सकता है, ये विमंसा। फिर उसके बाद में प्रसंग पारायणम, यानी मैं खुद भी गुरु भगवंतों की तरह इस विषय का पारगामी बनूं, ऐसा मन में भाव लावे और लास्ट में जो है वो अपने आप को परिनिष्ठ कर लेवे, पूरा बना लेवे और गुरु भगवंतों की तरह ही लोगों को समझाने में निपुण बन जाए। ये उपदेश रुचि सुनने की बात है। तो हम अपनी सुनने की योग्यता को बढ़ावें, जब जब भी गुरु भगवंतों के व्याख्यान सुनते हैं तब इस विधि का पालन करें तो हमारे अंतर में जो रुचि पैदा होगी, जो सम्यक्त पैदा होगा वो उपदेश के माध्यम से हुआ है ऐसा कहा जाएगा। तीसरा है आज्ञा। भगवान ने जो आज्ञाएं दी है, शास्त्र में भगवान की 2 तरह की आज्ञाएं हैं, एक विध्यात्मक एक निषेधात्मक। विध्यात्मक आज्ञा उसको कहते हैं जिसमें भगवान ये कहते हैं ऐसा करो, जो जीवन में करने योग्य वो विध्यात्मक और ये मत करो वो निषेधात्मक। दोनों तरह की आज्ञाएं जो दी है उन आज्ञाओं के प्रति पूरा समर्पण रखते हुए नहीं करने योग्य को छोड़ना और करने योग्य को करना, उसमें जी जान लगा करके और उसके प्रति अहोभाव रखते हुए चलते हैं तो उससे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो यह है आज्ञा रुचि सम्यक्त्व, इसको कहा जाता है। ठीक है, सूत्र रुचि।
जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की कि भगवान ने जो वाणी मूल रूप में फरमाई उसको कहते हैं सूत्र। उस सूत्र के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए। अधिकांश लोग भाई हिंदी में पढ़ लेंगे, हिंदी में पढ़ना अलग चीज है, लेकिन मूल जो भाषा में भगवान ने जो बात कही उस मूल को शुद्ध उच्चारण के साथ में उसका स्वाध्याय करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सरल उपाय है, थोड़ा सा श्रम करने पर आसानी से इसके माध्यम से हम अपने आप को उसके प्रति अहोभाव ला करके समर्पित होकर के और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूत्र रुचि में सूत्रों के प्रति भगवान की जो गाथाएं हैं या जो सूत्र हैं उनके साथ अपने आप को जोड़कर जो सम्यक प्राप्त होती है उसको इस 28वें अध्ययन में सूत्र रुचि सम्यक का। फिर आता है कि बीज रुचि। कई लोग ऐसे बुद्धि से शार्प होते हैं कि एक छोटा सा क्ल्यू उनको मिल जाता है, एक छोटी सी बात मिलती है, उससे वो सारी चीज को अपने आप समझने वाले बन जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा, ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जिनको कोई विशेष धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय पर चर्चा करते हैं, जलगांव में हमारे संघ अध्यक्ष दलू बहू को देखते हैं, वो कई बार क्लास के अंदर आकर के बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो बड़ी कठिन रहती है, लेकिन जब उनके साथ चर्चा करते हैं तो वो उसको इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे समझा देते हैं कि ऐसा लगता है इनको बहुत ज्ञान है। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जनरल बात है, इस तरह से इसको कहा जा सकता है। तो ये बुद्धि के लेवल पर उस बात को जो छोटा सा क्लू पकड़ करके विस्तार दिया जाता है, वो कार्य भी हम आसानी से करके अहोभाव पैदा करते हुए उस विषय के साथ अपने आप को जोड़ने वाले बन करके सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, वो बीज रुचि सम्यक। एक अभिगम रुचि, ये आई अर्थ से संबंधित। मूल सूत्रों को जो व्यक्ति नहीं पढ़ सके उसके अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करता है तो उससे भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों ही बातें हैं, आप मूल सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ का विवेचन का गहराई से अध्ययन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको कहते हैं अभिगम रुचि। एक विस्तार रुचि, ये विशिष्ट बुद्धिशाली लोगों के लिए, क्षमतावान लोगों के लिए ये बात रहेगी कि वे किसी भी विषय को बहुत विस्तार से पढ़े। कई लोग रहते हैं ऐसे, जैसे आज हम जिन लोगों को देखते हैं जो कुछ विशेषज्ञ लोग रहते हैं, वो विशेषज्ञ ऐसे ही बनते हैं, अपने विषय का शुरू से अध्ययन करते करते उसकी पूरी बारीकियों तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक एक विषय का जो विस्तार है, उस विस्तार को अगर हम पढ़ करके और उसके साथ जुड़ जाते हैं तो भी सम्यक प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ कहा कि आप जो है उसको प्रमाणों से, नयों से, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को समझने का अगर प्रयास करते हैं उपलब्ध साहित्य के माध्यम से, तो आपको जो सम्यक होगी वो विस्तार रुचि के माध्यम से पैदा हुई सम्यक तो कही जाएगी। एक होती है क्रिया रुचि सम्यक। कई लोगों को ज्ञान तो कम चढ़ता है लेकिन क्रियाओं में बड़ी रुचि रहती है, वो एक एक क्रिया ऐसी करेंगे जो भगवान की आज्ञा के अनुसार, जैसे कभी पोषित करेंगे, दया करेंगे तो बराबर दोनों टाइम वही प्रतिलेखना करेंगे, चलते समय बराबर पूंज करके चलेंगे, रात्रि के समय पर पूरे नियमों की पालना करेंगे, ये सारी चीजों में जिनको अंतर से रुचि है, उन क्रियाओं के साथ विशेष ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन क्रियाओं के प्रति रुचि रखी, उस रुचि से भी उनको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। चाहे वो ज्ञान की क्रिया हो, चाहे वो दर्शन की क्रिया हो, चारित्रिक की क्रिया हो, तप की क्रिया हो, हर एक साधना के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, चाहे वो पांच समिति तीन गुप्ति का स्वरूप हो, इन सब के साथ में प्रमाणिकता के माध्यम से जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार उससे जुड़ता है वो भी सम्यक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम ये ध्यान रखें, हम जो भी क्रिया करें एक सामायिकी करें लेकिन भगवान की आज्ञा की आराधना के अनुसार उसको करें, बिना किसी प्रकार के टंटे को लगाए हुए सामायिक करें। कई लोग सामायिक में लाइट, पंखा, फोन इनके उपयोग करते हुए सामायिक करते हैं, तो ये शुद्ध सामायिक का स्वरूप नहीं है। हम ऐसी शुद्ध सामायिक करें, चाहे एक ही क्यों न करें, लेकिन उस सामायिक के माध्यम से हमारे अंतर में क्रियाओं के प्रति इतना गहन लगाव बन जाए कि हमको अंतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो ये क्रिया रुचि सम्यक को कहलाता है। एक संक्षेप रुचि। आज के जमाने में शॉर्टकट वाले ही अधिकांश लोग मिलेंगे। कई लोग कहते साहब ऐसा बताओ कुछ कि थोड़ा सा कुछ कर लें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं। भगवान ने वो भी बताया है, संक्षेप रुचि कही उन्होंने। वो कहते हैं कि जिन लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है वे केवल मात्र इस बात को ध्यान रखे, तमेव सच्चम निसंतम जम जिनेहिम पवेयम, बस इतना कम से कम रखे कि जो जिनेश्वर भगवंतों ने कहा है वही एकांत सत्य है, उस पर मैं श्रद्धा करता हूँ। चाहे हम जानते नहीं है, हमको कोई हर तत्व का
हर पदार्थ का विस्तार से स्वरूप मालूम नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान में है कि तीर्थंकर भगवंतों ने जो बात कही वो एकांत सत्य ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको कोई अंतर में राग द्वेष नहीं है, किसी से लगाव नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, इसलिए वो फालतू की बातें तो करेंगे नहीं, जो असत्य बात है उसको कहेंगे नहीं, उनकी कही हुई बात तो सत्य ही रहेगी अगर इतना सा भी हम विश्वास कर लेते हैं। तो ये है संक्षेप रुचि। ऐसी संक्षेप रुचि से जो विशारद नहीं बनने वाला, यानी ज्यादा जानकार नहीं बनने वाला व्यक्ति, एक सामान्य सी जानकारी जो केवल मात्र रखता है धर्म की, वो व्यक्ति भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये कहलाती है संक्षेप रुचि। और एक है धर्म रुचि। धर्म रुचि में दो प्रकार का धर्म ठाणांग सूत्र में भगवान ने कहा, धम्म दुबिये पंडित्य स्वय धम्म चेव चरित्र धम्म चेव। श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, ये दो प्रकार का धर्म है। तो हम श्रुत धर्म यानी वैचारिक धर्म जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, और चारित्र यानी जिसको हम चारित्र के रूप में कहते हैं, सामायिक के रूप में कहते हैं, उसकी आराधना करके भी सम्यक को प्राप्त किया जा सकता है। अथवा धर्म रुचि में धर्मास्तिका या धर्मास्तिका आदि छह द्रव्यों के स्वरूप को समझकर और उसके प्रति अहोभाव लाने से भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती। तो ये 10 चीजें हमारे सामने है। हम इस समय ये विचार करें कि हमारे अंदर में ये 10 में से कोई भी हो सकती है कारण के रूप में, तो लेकिन उसमें जो मुख्यता है वो है भगवान की वाणी के प्रति अहोभाव की, श्रद्धा समर्पण भक्ति अहोभाव, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनके माध्यम से सम्यक प्राप्त होता है, केवल पढ़ने से नहीं होता। कोई ज्यादा भी पढ़ ले, कम भी पढ़ ले, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तो अहोभाव आना चाहिए, समर्पण और भक्ति आनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए इन सब को प्राप्त करने के लिए मूल शब्द जो है हमारे यहाँ पर वो है संवेग। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की जो परीक्षाएं आई उसमें सबसे पहली परीक्षा ही संवेग को कहा। उस संवेग का मतलब होता है धर्म के प्रति आपका अनुराग, धर्म के प्रति आपका अंतर से लगाव। जितना आपका अंतर से लगाव रहेगा, जैसा हमारे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति जो लगाव रहता है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा, क्योंकि ये तो मोह है, ये जो है ये राग है। वहां तो अनुराग की बात कही है, लगाव की बात कही है, और वो भी ऐसा निस्वार्थ भाव से जो भगवान की वाणी के प्रति जो अनुराग रहेगा, उसका नाम है संवेग। तो जो सम्यक प्रकार से वेग यानी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा करता है, वो संवेग नाम का तत्व है। वो संवेग हमें आगे बढ़ा देता है, और वो संवेग हमारी धर्म की श्रद्धा को बढ़ाता है, और धर्म की श्रद्धा से स्वयं संवेग बढ़ता है, और ये परस्पर कार्य चलता ही रहता है तब तक जब तक संवेग पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। और वो संवेग जब पूर्णता को प्राप्त करता है तो अपना पहला काम करता है, अनंतानुबंधी नाम की चौकड़ी को खत्म कर देता है, जिसकी चर्चा हम टेक्निकल रूप से करते हैं। तो अनंतानुबंधी चौकड़ी को खत्म करना है तो हमको अधिक से अधिक हमारे अंतर में अहोभाव यानी संवेग भाव को जगाना रहेगा। उस अनंतानुबंधी की चौकड़ी के खत्म होते ही फिर उसके माध्यम से जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हमारे अंतर में रहा हुआ है, जो मिथ्या धारणाएं है, मिथ्या सोच है, मिथ्या समझ है, उसके ऊपर वो वार करता है और उसको खत्म कर देता है। और जो ही ये सातों या पांच प्रकृति खत्म होती है व्यक्ति के अंतर में, एक भव में या तो उसी भव में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति, अगर आयुष्य का बंध नहीं किया है या तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है तो, अन्यथा वो व्यक्ति तीसरे भव का उल्लंघन नहीं करता। ठोकड़े वाले कहते हैं चार भव की बात, लेकिन ये जो भी भव की बात है उसमें वो व्यक्ति नियमा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो हम इस बात पर थोड़ा गहराई से चिंतन करें कि हमारे जीवन में वो संवेग कैसे बढ़े। उस संवेग को बढ़ाने के लिए, उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, उस अनुराग को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास विशेष होना चाहिए। जिन लोगों को हम देखें जो ऐसे दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी श्रावक श्राविका या साधु साध्वी दिखते हैं, उनके जीवन को देखें और अपने जीवन का निरीक्षण करके और अपने उस अवस्था में सुधार ला करके, और विशेष रूप से अगर हम प्रयास करते हैं तो भी अहोभाव में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। अब प्रश्न यह है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है या मैं सम्यक्त्व के नजदीक पहुंचा हूं, उसकी पहचान क्या? तो उसी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर वहां एक गाथा के माध्यम से 8 बातों से उस पहचान को जानने की बात कही। आप पहचान कर सकते हैं कि आपके अंदर में अभी तक, कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं भाई इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, कई साधु भी बन गए हैं, श्रावक के ऐसे व्रत ले लिए हैं जिनको सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी
अभी तक मेरे अंदर सम्यक तो आई या नहीं आई ये तो संदेह बना ही रहता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी तो हमारे पास भी नहीं रहेगी। ये तो ज्ञानियों का विषय है, कोई केवल ज्ञानी हुए वही बता सकता है, सामान्य ज्ञानी इसको नहीं जान पाता। लेकिन फिर भी कुछ अंतर में ऐसी अनुभूतियां होती है, कुछ ऐसा अंतर में चमत्कार घटित होता है कि उस व्यक्ति को लगेगा कि नहीं सही में मैंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। वो उपलब्धियां क्या है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। उसमें सबसे पहली उपलब्धि, अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो पहला रहेगा निशंकित। हमें किसी प्रकार की कोई शंका भगवान के वचनों में नहीं रहेगी। भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। कितने भी लोग बैठ जाएं, उनके साथ चर्चा का मौका आता है तो वो व्यक्ति हर समय पर शास्त्र की बात को ही प्रूव करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, चाहे सामने वाले कितने कुतर्क दे रहे हैं। हो सकता है उसके पास में कोई ज्यादा तर्क नहीं भी हो, लेकिन फिर भी या तो वो उस प्रतियोगिता से अपने आप को हटा लेगा अगर उसके आगे जो है उसको समझाने का उसके पास में कुछ नहीं है तो, लेकिन अपने आप को बचाकर सुरक्षित रखेगा। ये रखेगा कि नहीं मेरे पास में इतने तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो भगवान की है, वही सत्य है। तो पहली बात तो ये। अब इसका दूसरा पक्ष भी है कि उसको अपने आप पर आत्म तत्व के ऊपर विश्वास रहता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा जो नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, अमरना धर्म वाला है, ऐसा मैं आत्मा हूं। तो उसके ऊपर उसको निशंकित रहता है, उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती। आत्मा के ऊपर भी और भगवान की वाणी के ऊपर भी जिसको शंका नहीं होती, मानना चाहिए उसने अपने अंतर में इस सम्यक को प्राप्त कर लिया है। हम अपने जीवन को देख ले, हमको क्या लगता है, हमको मरण से डर लगता है क्या? वर्तमान के इस काल में जहां पर रोज ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं और उसके कारण से व्यक्ति डरा हुआ, आज हर व्यक्ति डरा हुआ, लेकिन डरने से तो कोई काम नहीं होगा। सावधानी रखना जरूरी है, डर करके तो कुछ नहीं मिलेगा। और डर जो लगता है वो हमारा शरीर के प्रति लगाव है, हमने इस जीवन को ही सब कुछ मान लिया इसलिए डर लगता है। अगर ये सच्चाई निशंकित नाम का गुण हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं शरीर तो आज नहीं तो कल छूटने वाला है, लेकिन मैं तो अजर अमर अजन्मा और अमरण धर्म वाला शाश्वत आत्मा हूं, ये बात अगर हमारे अंतर ने स्वीकार कर ली है तो फिर हमको वो मरण तक का भी डर नहीं लगेगा। आज सातों ही प्रकार के भयों को वो व्यक्ति जीतने वाला बन जाता है। प्रारंभिक अवस्था में चाहे थोड़े रूप में रहेगा, लेकिन अंत में तो उसको यही रहेगा कि नहीं नहीं मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है या अन्य किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कैसी भी परिस्थिति बन जाए। तो मानना चाहिए कि हम सम्यक्तों के साथ में जुड़ पाए हैं, ये पहली कसौटी। दूसरी कसौटी है निष्कांक्षित, निकंक्षीय, उसको किसी प्रकार की कोई कांक्षा यानी इच्छा नहीं रहती, दूसरों की इच्छा नहीं रहती, पर पदार्थों से इच्छा नहीं रहती। जैसे हम बोलते हैं कि दूसरे धर्म के आडंबरों को देख करके कई बार व्यक्ति विस्मित हो जाता है, ये कौन सा धर्म है हमारा, मान मुपत तीन बैठे रहो, न किसी कोई गाना बजाना ढोलक ये वो किसी प्रकार का कोई ये नहीं रहता है। तो व्यक्ति कई बार जो है ऐसे धर्म को नीरस जान करके उससे अलग हो जाने का प्रयास कर लेता है, या उसमें किसी प्रकार की जो सरसता लाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करने वाला बन जाता है। लेकिन ऐसे साधनों के माध्यम से कोई जीवन में सरसता नहीं आती, वो तो बाहरी साधन है और बाहर में थोड़े समय के लिए हमको ऐसा कर भी दे तो उससे कोई परमानेंट काम होने वाला नहीं रहता। इसलिए अंतर में ये भाव आना चाहिए किसी भी प्रकार की बाहरी जो चमक दमक है उससे प्रभावित नहीं होता वो व्यक्ति। और दूसरा जो पर पदार्थों से सुख प्राप्ति की इच्छा है, हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये गाड़ी मिल जावे, ऐसा बंगला मिल जावे, ऐसा इतना ये मिल जावे तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ऐसी स्थितियां उस व्यक्ति के अंतर में नहीं रहती जिसने धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ लिया है। वो इनको साधन के रूप में स्वीकार करता है, ये पुण्यवाणी के माध्यम से प्राप्त हुई अनुकूलताएं है, कभी पाप का उदय होता है तो ये अनुकूलताएं नहीं रहती, प्रतिकूलता में भी व्यक्ति जीता है। दोनों ही परिस्थिति में वो समान भाव से समता भाव से अपने आप को स्थिर करके रख लेता है, वो व्यक्ति मानना चाहिए उसने धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ लिया है, अर्थात सम्यक दर्शन का अधिकारी बन चुका है, ये उसकी दूसरी पहचान। तीसरी पहचान के रूप में कहा निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का मतलब होता है करनी के फल में उसे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। कई बार व्यक्ति कहता है धर्म तो करते हैं साहब, लेकिन इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
क्या पता अगले बहु में क्या होगा, उसका कोई भरोसा थोड़ी है। ये ऐसी बातें धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता जो अंतर से धर्म को जीता है। वो तो कहेगा ठीक है, जैसी क्रिया है वैसा फल मिलता है, लेकिन ये कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो कर्म में स्थिति होती है, कई बार लंबी स्थिति का कर्म बन जाता है, तो एक दो भव नहीं कई भवों के बाद में उदय में आता है। हम तो देखते हैं दसु कुमार जी का उदाहरण हमारे सामने है, 99 लाख भवों के बाद में उनका वो कर्म उदय में आया। हम स्कंदक जी के लिए कहते हैं कि 13 करोड़ भवों के बाद में उनको चमड़ी उतारनी पड़ी। तो ये कथा भागों के अंदर में भी जो बातें कही है और वहां पर भी ये बात स्पष्ट होती है कि व्यक्ति जो करता है उसके अनुसार जैसे कर्म बनते हैं उसके अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ता है, और उससे किसी प्रकार से उसको करनी के फल में संदेह करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिसको ये करनी के फल में संदेह नहीं है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, अंतर में धर्म के प्रति विशेष लगाव वाला है, ये कहा जा सकता। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। उस व्यक्ति की दृष्टि में मूढ़ता नहीं रहती, वो देव गुरु धर्म का जो सच्चा स्वरूप भगवान ने बताया बस उसी के अनुसार चलेगा, उसी को मानेगा। हो सकता है कई बार वो पूर्ण रूप से आचरण में उसको नहीं ला सकता, लेकिन मानता तो पूरा, उसको ये विश्वास है कि अरिहंत और सिद्ध यही मेरे देव हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी जो पंच महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती की निरतिचार पालना करने के लक्ष्य से आगे बढ़ गए हैं वे मेरे गुरु हैं, और अहिंसा प्रदान वीतरागता के लक्ष्य से किया जाने वाला जो तत्व है वो मेरा धर्म है। इस तत्व इसके ऊपर उसे पूरा विश्वास रहता है। वो बाकी की जो मूर्ताएं हैं कुदेवों को मानने की कुगुरुओं को मानने की उनको स्वीकार नहीं करता, लेकिन कई बार जो है वो उसका पूरा त्याग नहीं कर पाता, स्वीकार करते मतलब उसको मानते हुए भी वो उसकी कमजोरी है, वो अपने आप को वहां पर आगाड़ के साथ में जोड़ देता। हालांकि उसको आगाड़ कहकर के कमजोरी ही मानी जानी चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे श्रावकों के वर्णन है, कामदेव श्रावक का वर्णन आपने देखा कि कामदेव के पास में कितने प्रकार के उपसर्ग देवता ने आकर के दिए, 3 बड़े बड़े उपसर्ग दिए, लेकिन फिर भी आगार तो उसके पास नहीं था, वो चाहता तो अपना बचाव कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा, उसने धर्म को पूरे रूप में सच्चे रूप में समझा हुआ था, इसलिए उसने इन आगारों का इन कमजोरियों का सहारा नहीं लिया और उसने उसको सहन किया, और सहन किया तो परिणाम क्या आया। दूसरे दिन सुबह जब वो भगवान के दर्शन करने गया, भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से उसकी खूब प्रशंसा की, अपने साधुओं को बुलाया और कहा देखो भाई कि इतने बड़े कष्ट के आने पर भी ये कामदेव श्रावक होते हुए विचलित नहीं हुआ, आप तो संत हो, आपको तो इस प्रकार से अपने धर्म में हर समय पर स्थिर रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा उसके माध्यम से दी। तो ऐसे कई लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहार जगत में नहीं भी रहे ऐसा, तो मान्यता की दृष्टि से तो हमारा जीवन ऐसा ही रहना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि बन करके हम देव गुरु धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा सच्चे स्वरूप को समझ करके रहे। पांचवा है उपग्रहण, या जिसको कहीं उपगुहन भी कहा जाता है या उपग्रहण भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि हम अपने गुणों को बढ़ावें, या दूसरी तरह से उपगुहन यानी अपने अच्छाइयों को छिपावें, लोगों के सामने उसका ढिंढोरा नहीं पीटे। लोगों की अच्छाई है उसको खूब अच्छी तरह से प्रकाशित कीजिए, बताइए, लेकिन खुद की अच्छाई अगर है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग बताएंगे वो उनका अपना दायित्व है, लेकिन मैं खुद ये मानूं कि अभी मेरे पास इतनी ज्यादा अच्छाइयां थोड़ी है कि जो मैं लोगों को बता सकूं, मैं कोई ज्ञानी बन गया, मैं कोई केवली बन गया ताकि मैं उन बातों को लोगों के सामने कहूं, थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया, लोगों ने मेरी प्रशंसा क्या कर ली, मैं भूल करके कुप्पा हो गया और अपने आप को वैसा ही मानने लग गया, अरे नहीं नहीं लोग कहते हैं कि ये तो पंडित जी है, ये तो बहुत ज्ञानी है, और मैं अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाऊं तो ये मेरी मेरी भूल है। ये वो व्यक्ति ये सोचेगा जिसको उपगुहन गुण विकसित हुआ है, वो सोचेगा कि नहीं मुझे अपने गुणों को अभी बहुत बढ़ाना है, और जिन सामने वाले व्यक्ति में अगर एक भी सद्गुण दिखता है तो उसके प्रति अहो भाव ला करके लोगों के सामने उसको प्रकट करेगा, देखिए साहब इनके पास में ऐसी दिव्य दृष्टि ऐसा सद्गुण है जो सबको लेना चाहिए। मैंने कई बार देखा है स्थानक के अंदर एक व्यक्ति आया और उसने आकर के महाराज को कहा बाप जी मुझे उपवास पचका दीजिए। अब वहां एक बैठा हुआ व्यक्ति श्रावक को कहता धन्य है आपको, आपने उपवास किया, धन्य है आपको, देखो
इतने में ही वो व्यक्ति जाने लगा, उसको मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति धन्य है कह रहा है वो अठाई करके बैठा हुआ है। एक अठाई करने वाला व्यक्ति, एक उपवास करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा है, इसका मतलब ये उपगुहन गुण से अपने आप को जोड़े हुए हैं। अपने आप को कोई विशेष नहीं मानता, लेकिन उसने अठाई की, उसने एक उपवास भी किया, नौकारसी पोरसी आदि भी तप किया, तो उसके प्रति अहोभाव ला रहा है, ये ऐसा गुण है। तो हम भी इस गुण को अपने अंतर में विकसित करें। अपने गीत गाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, लोग अगर हमारे अंदर कुछ होगा तो उसको लोग बताएंगे, हमको केवल मात्र अपने गुणों को और अधिक बढ़ाने का ही प्रयास करें, ये सोच होती है एक सम्यक दृष्टि की। तो ये पहचान के रूप में इसे बताया गया। फिर कहा थ्री करने, स्थिर करने वाला, वो स्वयं भी अपने आप को स्थिर करता है, कहीं कहीं इसको स्थितिकरण भी कहीं ग्रंथों में नाम पढ़ने को आया कि जो स्थिति स्थित कराता है वो स्थितकरण, या स्थिरीकरण जो खुद को भी स्थिर कराता है, और कई लोग जो है वो धर्म से भटक जाते हैं, ऐसे लोगों को स्थिर करने का कार्य करना ये बहुत बड़ी भूमिका है। कई लोग आज ऐसे दिखाई देते हैं कि जो कभी मन में किसी व्यक्ति के धर्म के प्रति ईर्ष्या या जिसको कहेंगे ग्लानी का भाव आ गया, होता है कई बार जो है धर्म करते करते भी प्रतिकूलताएं बढ़ती जाती है, व्यक्ति धर्म के ऊपर वो उसका आक्षेप लगाता है और धर्म को छोड़ देता है, इतना धर्म क्या क्या धर्म काम आया, कितनी सामायिक की, इतने प्रतिक्रमण पोषण किए लेकिन कुछ नहीं है, परिवार में कोई अनुकूलताएं नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, और ऐसा करके वो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है। ये उसकी अपनी कमजोरी है, ये उसकी अपनी अज्ञानता है, ऐसा नहीं होता है। धर्म तो हमको समता सिखाता है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो कर्म का काम है, तो कर्म अगर हमारे जैसे हैं उसके अनुसार हमको अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी, दोनों ही परिस्थितियों में हम अगर समता रख पाते हैं, ये हमारा धर्म है, तो वो स्थिर करने के लिए ऐसा सोच करके जो कैसी भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को स्थिर कर लेता है। और ऐसे कई श्रावक श्राविकाएं या लोग मिल जाते हैं जो भटकते हुए यानी भटकने के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, उनको भी समझा करके और धर्म में स्थिर करने का कार्य जो व्यक्ति करता है, जो स्वयं स्थिर है वो दूसरों को स्थिर कर सकता है। इसलिए पहले खुद स्थिर बने और दूसरों को स्थिर करने में अपनी भूमिका लगाए। हो सकता है स्थिर करने के प्रयास में सफलता न मिले, तो सफलता नहीं मिलने पर कोई गमगीन होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मिली ठीक है, सामने वाले का भी तो कर्म है, अगर मेरे समझाने से ही सब व्यक्ति सुधर जाएंगे तब तो फिर उनके कर्म तो निष्फल हो जाएंगे। इसलिए ये सोच करके प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें उस व्यक्ति के उसके कर्म में मेरी पुण्यवानी की कमी है, ऐसा मान करके अपने आप को संतोष धारण करते हुए रहना चाहिए। ये है स्थिरीकरण। फिर कहते हैं वत्सल, वात्सल्य, जिसको आज के हम साधर्मी वात्सल्य के नाम से पुकारते हैं, कि उस व्यक्ति के अंदर जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, धर्म की श्रद्धा कूट कूट कर जिसके अंदर भरी हुई है, वो हर व्यक्ति के प्रति उसके अंदर में वात्सल्य का भाव रहेगा। साधर्मी के प्रति विशेष रह सकता है, लेकिन बाकी तो हरेक के प्रति, किसी दीन दुखी को देखेगा, किसी जरूरतमंद को देखेगा, तो वो अपने दिल के दरवाजे खोले बिना नहीं रहेगा। अगर हम केवल मात्र हिसाब लगा लगा करके और वात्सल्य की बात करते हैं तो मानना चाहिए अभी तक कहीं हमारे सम्यक्त्व की भूमिका नहीं बनी, वहां तो कितना भी उसको अगर करना पड़े तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका मन जो है अंतर से ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं इसका दुख तो मुझे मिटाना ही है, ये मेरा साधर्मी है, मैं मुझे इसकी मदद करनी है और उसमें कोई हिसाब किताब नहीं देखता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुण्य से प्राप्त इस लक्ष्मी का खूब उपयोग किया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए बांट करके और लोगों के दुख को मिटाने की भूमिका अदा की, विशेष रूप से समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो ऐसे लोगों के नाम अमर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को लोग पूजते हैं। तो वो जो वात्सल्य का भाव है, वो वात्सल्य का भाव हमारे अंदर कितना है हम अपना निरीक्षण करके देखें तो मालूम पड़ेगा हमारी क्या स्थिति। और अंतिम है जिसका नाम है प्रभावना, धर्म की प्रभावना। हम अपने पास जो कुछ साधन उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध साधनों का सदुपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कई लोगों के पास में तो कोई बाहरी साधन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे बड़े साधन नहीं है, तो केवल अगर हमारे पास में ये साधन है, मन है, वचन है और काया, ये तीन साधन तो हर समय हमारे पास है, तो हम अच्छा सोच करके, अच्छा बोल करके और सेवा करके भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं।
और जिनके पास में अन्य साधन है, अनुकूलता है, धन आदि है, वे अपने उन साधनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। धर्म की प्रभावना जितनी की जाती है, लोग धर्म के साथ जुड़ते हैं, हमारी पुण्यवानी बढ़ती है, लोग अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं और उस आनंद के कारण से हमको भी संतोष का अनुभव होता है। इसलिए धर्म प्रभावना के कार्यों में विशेष रूप से हमको लगना चाहिए और जो लोग अपने पास में पुण्य के प्रकर्ष से विशेष समृद्धि या उपलब्धि को प्राप्त, उनका तो अपना दायित्व बनता है कि वे अपने इस धन का नियोजन धर्म की प्रभावना में करें। वर्तमान समय में धर्म प्रभावना की स्थानकवासी समाज में सुव्यवस्थित रूप से जो एक योजनाएं आनी चाहिए उनकी कमी दिखाई देती है। कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी अन्य हमारे पड़ोसी संप्रदायों को अगर हम देखते हैं तो हमारा कार्य बड़ा कमजोर है, बहुत छोटा है, कोई विशेष। अगर आज जैसे कल भी कई लोगों ने जो बात कही, शिक्षण की बात आती है, किसी को कुछ पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो एक ऐसा केंद्र विकसित हो जिस केंद्र पे आकर के हर व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में जो कुछ उसको सीखना है, समझना है, साधना करनी है, वो कर सके मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में। अगर ऐसी व्यवस्थाएं कहीं हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा धर्म प्रभावना के रूप में होता है। जैसे आज हम देखते हैं तेरापंथी धर्म संघ में, जहाँ लाडनू के अंदर जैन विश्व भारती का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आज जहाँ शिक्षण की बहुत व्यवस्था है, साहित्य का प्रकाशन कितना होता है। अभी मालूम पड़ा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में 100 ग्रंथों का प्रकाशन करीब करीब उनका पूर्ण हो चुका है। एक साल के करीब अवधि में 100 बड़े बड़े ग्रंथों का प्रकाशन कर देना अपने आप में कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी करें उनकी अनुमोदना करें और हम भी अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य बनाएं। हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसे दानदाताओं की या बड़े लोगों की, बुद्धिशालियों की कमी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जिस तरह का कार्य आज से 10-20 साल पहले हो जाना चाहिए, आज तक भी वो कार्य कहीं एक बड़े रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे कार्यों में जब तक व्यक्ति अपने अंतर से नहीं जुड़ता, जब तक वो धर्म के महत्व को नहीं समझता, केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए अगर कोई करना चाहे तो वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकता, ज्यादा दिन तक टिकाऊ भी नहीं रह सकता, क्योंकि नाम के लिए करने वाले का जब नाम नहीं होता है तब वो थक जाता है। यहाँ तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ भाव से केवल मात्र अपना दायित्व समझ करके, मेरे पास जो कुछ मिला है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, समाज में अच्छी प्रतिभाओं को बाहर निकालूं, समाज के लोगों को कुछ करने के लिए, धर्म आराधना साधना करने के लिए मौका दूं। ऐसा व्यक्ति ही ये सब कुछ कर सकता है और समाज में ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे लोग छुपे हुए हैं, आगे आना चाहिए उनको और समाज में धर्म प्रभावना का एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये आदर्श जो प्रभावना का है, ये वही करेगा जिसके अंदर में धर्म के प्रति विशेष रूप से लगाव है। ये 8 बातें हैं यहाँ पर हमारे पास में, जो हमारे यहाँ पर इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ही बताई गई है कि आप उसकी पहचान कर सकते हैं, आप वर्तमान में किस स्थान पर रहे हुए हैं। तो ये हमने सम्यक दर्शन को लेकर के प्रैक्टिकल रूप से कि हम अपने जीवन में जो कुछ हम साधना आराधना कर रहे हैं, उन साधना आराधनाओं को करते हुए कैसे कर सकते हैं, और कुछ 2-4 बातें इसके साथ और जोड़ लेते हैं। 29वें अध्ययन के अंदर में करीब 3-4 ऐसी आई है जो परीक्षाएं हमको सम्यक दर्शन प्राप्ति में मददगार बनती है। जैसे एक परीक्षा आई जिसमें पूछा गया, भगवान को प्रश्न पूछा गया कि 24 अथेणम मन्ते जीवे किम जन गई, भगवान 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि उससे सम्मतम विसोई, कि आपका जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन विशुद्ध होता, वो नहीं है तो प्राप्त होगा, प्राप्त है तो वो विशुद्ध बन जाएगा। अर्थात हम तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति जो लोगस्य के पाठ में की गई है वो तो मुख्य है ही, लेकिन बाकी भी अन्यत्र जो चाहे संस्कृत में की गई है, चाहे पुच्छिन सुणम के नाम से की गई है, चाहे भजनों के माध्यम से की गई है, उनके साथ में अगर जुड़ाव करते हैं तो भी उन महापुरुषों के प्रति अहोभाव लाने से, भक्ति पैदा करने से हमारे अंदर में वो सम्यक दर्शन पैदा हो सकता है। तो एक उपाय ये भी किया जा सकता है, लोगस्य के ऊपर विशेष ध्यान दे करके इसकी आराधना करके। हमारे महापुरुषों को हम देखते हैं, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री हीराचंद जी महाराज साहब वर्तमान में भी देखते हैं, एक माला लोगस्य की, एक माला नमो थुणम की प्रतिदिन, और हजारों गाथाओं का स्वाध्याय, ये
अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को भी उससे मार्गदर्शन मिलता है, तो यह हमारे लिए भी, हम चाहें तो इस लोगस्य के प्रति उसके मूल शुद्ध उच्चारण के साथ उसके अर्थ के साथ में जुड़ करके अगर करते हैं तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है, एक उपाय ये बताया। दूसरा कहा हुई मंगलेणम मंते जीवे किम जनई स्तव स्तुति। स्तव स्तुति का मतलब होता है नमोथुनम। नमोथुनम के पाठ से जो प्रतिक्रमण में हम लास्ट में बोलते हैं वो नमोथुनम, या ऐसे भी जो नमोथुनम भक्ति के साथ में अर्थ के साथ में शुद्ध उच्चारण के साथ में बोला जाता है, तो उसका फल बताते हुए भी कहा कि उस नमोथुनम से नाण दंशन चरित्र बोहि लाभम जनई। उससे तो तीनों की बोधि हो जाती है, ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है और चारित्र की भी बोधि प्राप्त होती है। तो ये दूसरा उपाय जो जो हमारे परिचित विषय हैं, हम प्रतिदिन सामायिक लेते हैं, पालते हैं, उस समय लोगस्त नमोथुनम बोलते ही हैं। हम इसको साधना का एक रूप दे देवे, आप अनुभव करके देखेंगे निश्चित रूप से, अगर उसको लयबद्धता से इसको गाया जाता है नमो लोगस्त को, नमोथुनम तो गद्य में है, इसको गा करके नहीं बोला जाता है, लेकिन उसके एक एक शब्द के अर्थ को जहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने जो एक ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में उन्होंने इस नमोथुनम की जो व्याख्या की है बेमिसाल। हर व्यक्ति को जिसको इसको साधना का रूप देना है उसको वो पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसके नोट्स निकले हुए हैं वो पढ़ना चाहिए, जिससे एक एक शब्द के साथ, जैसे हम देखते हैं लोक उत्माणम, लोक नहाणम, लोक यानम, लोक परिमाणम, लोक पचेचराणम, पांचों में लोक शब्द आया है लेकिन पांचों जगह लोक शब्द का अलग है, अलग अर्थ है। धम्मदयाणम, धम्म देशयाणम, ये जो धम्म शब्द आया है सब जगह धर्म शब्द का अर्थ अलग अलग किया गया है, और उससे हमारी श्रद्धा भक्ति विशेष रूप से बढ़ती है। तो ऐसे नमोथुनम की साधना आराधना हम उसके अर्थ के साथ जुड़ करके करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम ज्ञान दर्शन चारित्र की बोधि को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। दो उपाय जो बताए उसमें कहा, एक तो कहा मन समाधारणता और एक कहा वचन समाधारणता। वह समाहरण आयणम मनते जीवे किम जने, ये प्रश्न पूछा तो उस समय पर कहा वहां पर वह समाहरण मन समाहरण आयणम एगगम जनी, एगगम जनिता नाण पज्यवे जनी, नाण पज्यवे जनिता सम्मतम च विसोई मिच्छतम च निज्जनी। यानी आप अगर मन को समाधि में रखते हैं, मन को एकाग्रता में रखते हैं तो उससे ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो जब हमारी वृत्तियां शांत होती है उस समय अंदर से प्रकट होता है। इसलिए भगवान शब्द देते पाऊ करी स्वामी विनयम पाऊ करी स्वामी, मैं विनय को प्रकट करूंगा, जो विनय तुम्हारे अंदर जो गुण छिपा हुआ है मैं कोई आपको बाहर से थोपूंगा नहीं, दूंगा नहीं, केवल मात्र अंदर में जो है उसके ऊपर आवरण आया है उसको हटाऊंगा और उससे आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुआं खोदने पर पानी कब निकलता है, जब कोई चट्टान उसको रोके हुए उस चट्टान को हटाया कि अंदर से पानी का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। हमारे अंदर भी ये मोह की चट्टाने हैं या ज्ञान की चट्टाने हैं, ये हट गई तो अंदर से ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा हम जितने शांत मन करके बैठते हैं, मन में निर्विकल्पता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उस समय पर हमारे अंदर में सम्यक्त्व की प्राप्ति या उत्पत्ति होना संभव है। और अगला कहा वह समाधारण आयन, वचन की समाधारणता, अर्थात वचन को शांत रखना, वचन को समाधि में रखना, मौन रखना। इस मौन की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। इस मौन के माध्यम से व्यक्ति अनेक उपलब्धियों को तो प्राप्त करता ही है लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला भी बनता है। वहां कहा वय समाहरण यायणम वय सहारण दंशन पज्यमे विसोई, और वय सहारण दंशन पज्यमे विसोईता सुलभ होयतम च नियत दुर्लभ होयतम च निज्जरी। वो सुलभ बोधि बन जाता है अर्थात सम्यक को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो हम वचन के प्रति कंट्रोल रखें, ज्यादा से ज्यादा मौन रखें, अपने उस मौन के कारण से भी हमारे अंदर में ये ताकत पैदा हो सकती है। तो ये कुछ व्यवहारिक उपाय, प्रैक्टिकल उपाय जो इस शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर बताए गए हैं, हम उनकी चर्चा करें, उनका चिंतन करें। गोचरी को लेकर के भी विशेष वर्णन मिलता है कि जहां जहां भी जिन जिन तीर्थंकरों ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, सुबाहु कुमार आदि 10 राजकुमारों के वर्णन जो देखने को मिलते हैं सुख विपाक सूत्र में, उन्होंने जो सम्यक्त्व प्राप्त किया, संतों को गोचरी बैठा करके सम्यक्त्व को प्राप्त किया। तो ये गोचरी अत्यंत अधिक श्रद्धा भाव अहो भाव से निर्दोष
निर्दोष गोचरी बहराने से व्यक्ति सम्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये प्रैक्टिकल उपाय है, सात प्रकृतियां तो छह क्षोभसम उपशम ये आंतरिक प्रक्रिया है, हमको इसका मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्य करते हुए हम इन सातों प्रकृतियों पर कुठाराघात कर सकते हैं और उसके कारण से ये प्रकृतियां कमजोर बन जाएगी, कहीं इनका उपशम होगा क्षोभसम होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनका क्षय हो जाएगा और हमारे अंदर में वो क्षायिक संकित का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, जिस क्षायिक संकित की ताकत ऐसी है कि वो अगर आयुष्य का बंद नहीं किया है पूर्व में तो तत्काल केवल ज्ञान को भी प्राप्त कराने वाला बन जाता है, उस शक्ति को हम प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निश्चित रूप से आगमों के माध्यम से, आगमों में जो जो चर्चाएं आई है, क्योंकि आगम जीवन पद्धति, ये सैद्धांतिक बातें तो इसमें आई है लेकिन जीवन से जुड़ी हुई बातों की जो चर्चा निपट की जाती है तो हम उससे जल्दी जुड़ जाते हैं, क्या हमको उससे जुड़ना चाहिए। हम बाहर की जो बातें हैं वे बाहर की बातें हैं, हमारे बुद्धि के लेवल तक ही हमको प्रभावित करती है, लेकिन जीवन परक बातें जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, वो जीवन परक बातें उनको हम कर सकते हैं और हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि नहीं मैं कहाँ हूँ। थर्मामीटर भी भगवान ने हमको इसका दे दिया, इसलिए हम इन आगमों के प्रति अहोभाव जगा करके अपनी श्रद्धा भक्ति को पुष्ट करते हुए जो सम्यक दर्शन हमारे अंतर में पैदा करने की बात बताई उसको हम गहराई से और समझें और समझ करके जितने प्रकार इसमें बताएं उनके साथ जुड़ें। हो सकता है आपको 10 में से कोई एक विशेष रुचि लगती हो, किसी किसी को मूल गाथाओं में मजा आता है, किसी को अर्थ में मजा आता है, कोई शॉर्टकट ढूंढता है, कोई विस्तार रुचि वाला रहता है, जिसको जहां जैसा उचित लगे वो उसके साथ जुड़े जुड़े जरूर, क्योंकि मानव का ये अनमोल जीवन आपको हमको सबको मिला है, ये केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला, इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं। तो कई बार ऐसे जीवन मिल गए लेकिन बिना समझ के कारण से वो जीवन ऐसे ही निकल गए और हम कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। ये अनमोल जीवन है, क्योंकि अनमोल क्यों है, क्योंकि हमको जैन कुल मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छी परंपरा मिल गई, अच्छा धर्म मिल गया, अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार मिल गया, अच्छा धर्म संघ मिल गया, अच्छे साथी मिल गए, अच्छी व्यवस्था मिल गई, अच्छा संघ मिल गया, स्वाध्याय संघ मिल गया जो हमको ऐसी व्यवस्थाएं करके देता है। अब हमारा दायित्व बचा कि हम अपने आप को इसमें झोंक दे, ये जीवन मेरा अंतिम जीवन है मनुष्य जन्म का, ऐसा मानकर चले। हो सकता है इस जीवन में तो हमको मुक्ति नहीं होगी, वापस जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंतर में तो यही भाव रहना चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे संपूर्ण कर्मों का क्षय करना है। ऐसी अंतर में जिद और संकल्प शक्ति के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको ये सफलताएं निश्चित रूप से मिलने ही वाली है। आप हम सब मिलकर के इसी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाएं। समय की अपनी मर्यादा है, प्रश्नों के भी कुछ समय नियत किया जाता है, तो मैं अपनी बात को यहाँ इसी रूप में विराम देते हुए कि हम सम्यक दर्शन के साथ इन सरल उपायों को जो भगवान ने हमारे सामने बताए उनके साथ जुड़ें, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनावें, इसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में अपने अंतर को पवित्र करते हुए आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय मां। धन्यवाद सर। मैं भी सबको जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है सब हाथ उठाइए प्लीज, मतलब जो एक हैंड का सिंबल होगा वो उठा सकते हो, मैं एक एक कम्यूट करूंगा। पहले हैं प्रमिला जी। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है वो अपने सोसाइटी में संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि शादी परिवर्तित के अंदर अपन जीव के पांच भेद लेते हैं, लेकिन मैंने किसी से सुना है कि इसके अंदर एक भेद आते हैं, तो क्या आ सकते हैं क्या सर? इसके क्या प्रश्न नहीं समझा, क्या बोले?
साधी पर्यवसित जो दूसरा गुण स्थान है उसके अंदर अपन जीव के पांच भेद की चर्चा गुणस्थान की क्लास में करना भाई, यहाँ करके क्या फायदा है। तो इसकी जो आगम संबंधी है ना उसकी बात कीजिए, अभी जो बातें अभी बताई है उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। प्रकाश सर अपने बाल मित्रों से जय जिनेन्द्र एक बार विशेष तौर पर क्या कहता है जी मेरे बाल मित्र। आपने नमोथुनम के बारे में एक बुक के बारे में बताया था जी, ललित प्रभ महर साहब का बुक है, उसका नाम एक बार फिर से बताएंगे। ललित विस्तरे नाम है ग्रंथ का, ललित विस्तरे। हाँ ये नाम है ग्रंथ का, आचार्य हरिभद्र सूरि जी का ग्रंथ है ये। अच्छा जी, हाँ ये कहाँ मिलेगा? अब ये मिलने का तो देखो भाई देखना पड़ेगा, इसका कहीं ये मंदिर मार्गियों के यहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो वो अगर कहीं होगा तो मैं देख के बताऊंगा आपको उसका पता वगैरह कुछ। बाकी इसके कुछ नोट्स हमने बनाए हुए हैं जो ज्यादा काम में आने वाली चीजें, उसके नोट्स तो हमारे पास उपलब्ध है, आप हमसे संपर्क कर लेना पता दे करके तो हम भिजवा देंगे। वो तो नंबर या कुछ बोलेंगे? हाँ कॉन्टेक्ट तो ये मेरे नंबर से ही कर लेना। बोलिए आपका नंबर। 70457 70457 47164 47164। ठीक है ठीक है, आगे देखिए जी। हाँ एक्चुअली और तीन चार लोगों के हाथ ऊपर है बट कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है। स्नेहा जी चोड़िया आपको सर मेरे को ये पूछना है आपसे, नमोथणम की माला कैसे फेरते हैं सर? उसमें मतलब संपतानम वाला कितनी बार बोलना होगा 108 में से, और संपादी प्रमाणम कितनी बार बोलना होगा? नहीं वो तो एक ही बोलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दो बार तो अपन जो करते है ना वो तो विधि की बात है, बाकी तो एक तरह से ही बोल सकते है पूरे को। हाँ सर हाँ पूरा एक तरह से ही बोल सकते है, पहले वाला जो बोलते है ना पूरे में मतलब फर्स्ट वाला। हाँ संपत्तानंग नमो जिनानंग जी भयानंग, और चाहे तो उसके साथ में संपावी कामानंग ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को आ जाएगा उसमें। एक ही नमो थोड़ा में दोनों एक साथ बोल दें। हाँ दोनों एक साथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर जय जय ठीक है सर। हाँ जय जय सर। सर पूछना था, अगर एक सामयिक होती है तो भाव ऊंचे करने के लिए देखिए, एक तो कुछ समय तो आप उसका कुछ विभागीकरण कर लीजिए, जैसे कुछ समय तो आप लगाइए भक्ति में, जैसे दो या तीन अच्छी प्रार्थना की जिससे आपकी भक्ति जागती है, जिनका अर्थ आपको समझता है वो कर सकते हो। उसके बाद में कुछ समय जैसे आपको माला फेरनी है एक माला उसका समय कर सकते हो 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको लगती है, और फिर कुछ नया वाचन कर सकते हो, कुछ पुराना जो याद किया उसको फेर सकते हो, और अपने जीवन का निरीक्षण कर सकते हो। ये पांच भागों में उसको बांटा जा सकता है, वैसे ये पांचों चीजें बहुत लंबी है, लेकिन एक ही समय करते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके भी ऐसा किया जा सकता है, तो उससे आपको एक आनंद की अनुभूति भी होगी, ज्ञान भी प्राप्त होगा, भक्ति भी बढ़ेगी, इस दृष्टि से किया जा सकता है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये आपने जो सम्यक दर्शन प्राप्त के 10 पॉइंट बताए थे इनको आप एक बार रिपीट करना सर। कहाँ बैठ गया अभी ये तो लोग दूसरा उपदेश कहाँ हटाऊंगा करने में आपको बोला कि नहीं? अच्छा वहां से कुछ उसको एक बार जला के। हाँ आपको बोला ना, पहला जो है निसर्ग आ गया, दूसरा उपदेश, तीसरा आज्ञा, चौथा सूत्र, पांचवा बीज, छठा अभिगम, सातवा विस्तार, आठवा क्रिया, नौवा संक्षेप और दसवा धर्म रुचि।
उत्तराध्यन सूत्र के 28वें अध्ययन में भी ये दिए हुए हैं सब, आप वहां से भी देख सकते हो सर। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ जय जी नंद। संजय कटारिया बालाघाट से। हाँ बोलो सर। ये मूर्ति पूजक परंपरा में पंडित जी नमोथुंडम का तीसरा भी बोलते हैं कि जे अय्या सीता जे भविष्यन्ति। हमने पढ़ा भी है कि आगामी 24 को नमन किया जाता है, तो ये क्या बात है? नहीं अब ये तो जैसे तीन नमोथुंडम की परंपरा तो अभी स्थानक वासियों में भी कई जगह है, वो तीसरा नमोथुंडम अपने गुरु को देते हैं। शास्त्र में भी ऐसा कई जगह वर्णन मिला है, तो उस कारण से वो इस रूप में देते हैं मंदिर मार्ग उसको उस रूप में लेते हैं। अपनी अपनी परंपरा की बात है, इसलिए इसमें तो अपन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। आगामी 24 को नमन करना की नहीं? नहीं नहीं आगामी 24 की तो बात नहीं है नमन करने की, क्योंकि अभी तो वो हुए ही नहीं है ना, होना तो चाहिए ना भाई। जो हो चुके हैं या जो अपने यहाँ पर नमन या वंदन जो है वो तो स्टेप के हिसाब से किया जाता है, इसलिए वो की बात नहीं है उसमें। जी धन्यवाद। सुभाष जी नरेंद्र जी आप क्या हो? जय जय सर। हाँ सर मैं सुभाष चंद्र सुराना वाशिम से बोल रहा हूँ। सर आपने बताया कि भाई इसी भाव में मोक्ष मिल जाए, तो ये तो मालूम है कि इस भाव में मोक्ष नहीं मिल सकता, ये मिथ्या को भावना नहीं हो सकती? नहीं 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 देखो नहीं मिल सकता, ये तो ऐसी है। हमको अपना लक्ष्य वही लेकर के चले ना, हमारा लक्ष्य तो यही है मुक्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं। अब ठीक है तो कुछ मजबूरी हो गई ऐसा ये मान करके चलो, बाकी लक्ष्य तो वही रहना चाहिए हमेशा ही। इसमें कोई मिथ्या भावना की बात नहीं है, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ये नियम तोड़ करके चले जाऊंगा, तो हमारी भक्ति को बढ़ाने की बात है, भक्ति बढ़ाने के लक्ष्य से है ये। धन्यवाद जी। नरेंद्र अभी बताया था कि जी शायिक भाव क्या होता है सर? शायिक भाव का मतलब है कर्मों के क्षय से जो भाव होता है वो क्षायिक भाव, जैसे गुणस्थान में बताया गया सर। इसमें आठवें कर्मों का हाँ आठवें क्षायिक भाव में तो आठवें कर्मों के क्षय से होते हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें मोहनीय कर्म की और या चार घाती कर्मों की दे दी गई है, भेद जहाँ की है ना वहां ऐसे चार कर्मों के क्षय से नौ क्षायिक भाव बताए गए तत्वार सूत्र में, तो आठवीं कर्मों के क्षय से जो भाव होता है वो क्षायिक भाव, क्षय से जो होता है वो क्षायिक भाव। विमला जी भंडारी आप पूछ सकते हो आपका क्वेश्चन। जय जिनेंद्र, मैं पूछना चाहती थी कि हम जब वर्तमान 24 को हम नमो अरिहंतानंग के हिसाब से नमन करते हैं या नमो सिद्धानंग के हिसाब से नमन करते? वर्तमान 24 यानी यहाँ भरत क्षेत्र की हाँ। भगवान महावीर आदि ना हाँ हाँ हाँ, ये तो नमो सिद्धानंग में ही जाएंगे। नमो अरिहंतानंग तो जो महाविदे क्षेत्र में वर्तमान में जो विराजित है 20 बिहरमान जी हाँ हाँ। उनको नमस्कार होगा उससे नमो अरिहंतानंद से, बाकी नमो सिद्धानंद में जाएगी हमारी वर्तमान 24 भी, क्योंकि वो सब सिद्ध हो चुके हैं। और अतीत की 24 जो है और भविष्य की 24 जो है वो? नहीं भविष्य की तो अभी जो है वो इस दोनों में ही नहीं आती, वो तो पांच पद में है ही नहीं अभी तक भविष्य की, तो दीक्षा लेंगे तब पांचवें पद में आएंगे, इसलिए अच्छा। उनकी नहीं है हाँ, भूतकाल की सिद्धों में, भूतकाल की सिद्धों में आ जाएगी, सिद्धों में आएगी ठीक है। और एक मैं पूछना चाहती थी, अभी अभी आपने बताया कि सामायिक के समय हमें विभागीकरण करना चाहिए, तो जो भक्ति वाला पार्ट है तो भक्ति में हम भजन गा करके या किस तरह से हम अपने गुरु के प्रति हम अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं,
जब हम गुरु से दूर रहते हैं हमेशा यह पॉसिबल नहीं होता कि हम स्थानक जाएं या गुरु वहां हो या दर्शन कर सकें, तो हम अपने गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए भक्ति का जो मार्ग है उसमें क्या भजनों के द्वारा ही हम अपने श्रद्धा को आस्था को बढ़ा सकते हैं या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? और वंदना करके भी बढ़ा सकते हैं आप उनके गुणों को वंदना करके, जैसे 27 वंदना 36 वंदना ये भी वंदना करके बढ़ा सकते हैं और भजनों के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा धन्यवाद सर जी। आई थिंक मंगला जी ललवानी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, बस इतने ही प्रश्न है चैट इसके थ्रू। हाँ चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ सर आई थिंक एक एक जन और आए हैं, मंगला जी डाट लिया जी उनका। जय जिनेंद्र सा गुरु जी। हाँ जय जिनेंद्र गुरु जी। वो कल आपने बताया था अनुष्टुप छंद आर्य छंद और क्या पहला कौन सा है? अनुष्टुप। हाँ अनुष्टुप उपजाति। कल जो उपजाति दूसरा है क्या? हाँ और तीसरा आर्य। हाँ और मात्रा कितनी रहती है? मात्रा बताइए ना, 12, 18, 12, 15। 12, 18 उपजाति में 18 रहती क्या? नहीं नहीं ये आर्या की मात्रा आर्या में होती है, बाकी में तो अक्षर गिनने उसमें 11 11। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर? 32 अक्षर अनुष्टुप छंद में। और इसमें उपजाति में 44 अक्षर। धन्यवाद सर धन्यवाद। हाँ ठीक है सर धन्यवाद सर। हाँ सर जय जी मैम जय जिनेंद्र। आई थिंक और एक है कांता बंसाली, आई थिंक ये लास्ट लेते हैं अपन। अच्छा अगर जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र सर लास्ट। जय जिनेंद्र। हाँ मैं पूछ रही थी ये नए निक्षेप और प्रमाण का थोड़ा सा हमको विस्तार से थोड़ा मालूमात होनी थी, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है नए निक्षेप का। अब ये तो ऐसा है बड़ा विषय है, इसकी तो चर्चा जो है कहीं अलग से ही करनी पड़ेगी, यहाँ तो इतना समय भी नहीं है। तो नए निक्षेप प्रतिक्रमण के अभी दे रहे हैं उसमें भी नए निक्षेप का वर्णन आया है, फिर भी मतलब थोड़ा विस्तार से समझ में नहीं आता है उसका पूरा। तो उसमें जैसे जैन तत्व प्रकाश देखो, जीर्ण धम्मो देखो, उनमें भी दिए हुए हैं अच्छी तरह से। अच्छा जैन प्रकाश में भी कंसल्ट कर लो। हाँ उसमें भी दिया हुआ है अच्छा वर्णन, और अच्छी जो बुक्स है उनमें देख करके और कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी जय जी जय जी सर।